हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और एक नया वैकेंसी लेके आया हूँ, वो एआर इंडिया लिमिटेड का है और उसका जो वैकेंसी है वो 60 पोस्ट है। जनरल के लिए 22, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 7, ओबीसी के लिए 14 और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 पोस्ट है। तो क्या क्या कुछ है, हम जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। आपका जो एज है, अपर एज 18 ईयर, एससी एसटी 33 ईयर एंड ओबीसी 31 ईयर। एक सर्विस विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन एज पर रूल। और आपका जो क्वालिफिकेशन है, वो क्वालिफिकेशन आपका है बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट्स आपका होना चाहिए। और आपका मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ये भी होना चाहिए। मिनिमम 60% इन एग्रीगेट होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होना होगा और रिटन एग्जामिनेशन वो टेस्ट करेंगे। हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई करने के लिए एयर इंडिया का जो वेबसाइट है www.airindia.in पर लॉगिन करके वहाँ ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। आपके भरने के लिए उसके लिए आपको एक ईमेल आईडी और डिजिटल स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 10 KB to 35 KG JPG और JPEG फॉर्मेट में देना होगा। और आपका जो एप्लीकेशन फीस 1000 रुपीज़ देना होगा, जो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से एयर इंडिया लिमिटेड के पेबुल करके आपको देना होगा। और एससी एसटी एंड ईडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपका जो सर्टिफिकेट सोच आज डेट इंश्योरेंस अथॉरिटी कैंडिडेट्स ओबीसी एंड मोस्ट पोजीशन ऑफ सर्टिफिकेट प्रेस्क्राइब परफॉर्म, आपको एससी एसटी ओबीसी जो कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ सबमिट करना होगा। और कुछ खास है, आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है वो है 4 सितंबर से स्टार्ट होके आपका 18 सितंबर तक होगा। और रिटर्न जो आपका टेस्ट होगा वो सितंबर और अक्टूबर के अंदर होगा। पोस्टिंग आपका एयर इंडिया के अंडर ही होगा। और सैलरी आपका 45 रुपीज़ रहेगा, 45,000 रहेगा। और कुछ जानना चाहते हो तो ये जो वेबसाइट पे आप लॉगिन करके देख सकते हो और मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी देख सकते हो। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ आप लॉगिन करके देख सकते हो। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।